माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार सरकार ने अपनी नीतियों, अनुदान और सहयोग से राज्य के औद्योगिक परिदृश्य को बदल दिया है। इसी का नतीजा है कि देश दुनिया के बड़े बड़े उद्योगपति बिहार में निवेश कर रहे हैं। बिहार में इन्वेस्टमेंट लाने के प्रयासों के तहत पटना के ज्ञान भवन में 13 और 14 दिसंबर को आयोजित बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 में देश दुनिया के 600 से ज्यादा उद्योगपति शामिल हुए। साथ ही इस दौरान टेक्सटाइल, लेदर, फूड प्रोसेसिंग एवं आईटी समेत अन्य क्षेत्रों में 50,530 करोड़ रुपए के निवेश का करार हुआ। इससे बिहार में औद्योगिक विकास के साथ साथ हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। सोमवार को जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने राज्य भर से आए लोगों की समस्याओं को सुना। जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में आए लोगों ने मुख्यमंत्री जी से व्यक्तिगत रूप से मिलकर अपने दुख दर्द साझा किए। साथ ही मुख्यमंत्री जी ने कार्यक्रम में मौजूद अधिकारियों को लोगों की समस्याओं का जल्द से जल्द निस्तारण का निर्देश दिया। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में भी लगातार आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री जी ने मंगलवार को पटना के सिकंदरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल शेड एवं ब्रिटानिया बिस्कुट फैक्ट्री का उद्घाटन किया। इससे स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी और लोगों को रोजगार मिलेगा। साथ ही श्री नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लाभुकों की टेक्सटाइल इकाइयों का शुभारंभ एवं द्वितीय किश्त का भी वितरण किया। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने नवादा में गंगा जल आपूर्ति योजना के दूसरे चरण का लोकार्पण शुक्रवार को किया। मुख्यमंत्री जी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत हर घर तक गंगा जल की आपूर्ति की जाएगी। इस योजना के तहत राजगीर, गया, बोधगया और नवादा में पेयजल की समस्याओं को दूर करने के लिए पाइपलाइन से पूरे साल गंगा जल पहुँचाया जा रहा है। माँ सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम के विकास के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। ये जगह सीतामढ़ी जिले में है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने बुधवार को पुनौरा धाम में विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। इससे पहले मंगलवार को मुख्यमंत्री जी ने पूर्वी चंपारण के केसरिया बौद्ध स्तूप परिसर में पर्यटकीय सुविधाओं से जुड़े विकास कार्यों का भी शिलान्यास एवं उद्घाटन किया।